बीजक साखी प्रकरण में सदगुरु कबीर ने एक साखी कही है, शब्द हमारा आदि का शब्दे बैठा जीव, फूल रहन की टोकरी घोरे खाया घी। सदगुरु कबीर कहते हैं कि मेरे जो शब्द हैं, मेरे जो विचार हैं, वे आदि का परिचय कराने वाले हैं, आदि तत्व के परिचायक हैं, परंतु जो आदि तत्व है, मूल तत्व, उसको न समझकर उसमें लीन न होकर मनुष्यों का मन भ्रम कल्पना के शब्दों में डूबा हुआ है, और भ्रम कल्पना के शब्दों में मन के डूबे होने के कारण यह उत्तम मानव जीवन उसी प्रकार व्यर्थ जा रहा है या बर्बाद हो रहा है जिस प्रकार छाछ मट्ठा में पड़े पड़े घी खराब हो जाता है। यह मानव जीवन फूल रखने की टोकरी है, सार संग्रह करके, सद्गुणों का संग्रह करके कल्याण करने की भूमिका है, किंतु भ्रम कल्पना के शब्दों में पड़े रहने के कारण आदमी कल्याण का काम नहीं कर पाता। जीवन ऐसे जीता है जिससे उसका दुख, उसकी पीड़ा और बढ़ते चले जाते हैं। इस साखी में सदगुरु कबीर हमें चार बातें बताते हैं, थोड़ा थोड़ा सभी बातों पर हम विचार करें। पहली बात सदगुरु कबीर कहते हैं, शब्द हमारा आदि का, मेरे जो शब्द हैं, मेरा जो कथन है, वे आदि का परिचय कराने वाले हैं। आदि क्या है? अब आदि के प्रायः दो अर्थ होते हैं, वैसे अनेक अर्थ हैं, लेकिन आदि के दो अर्थ खास। आदि कहते हैं आरंभ या शुरुआत को, जैसे कल शाम से इस कार्यक्रम की शुरुआत हुई, किंतु परसों शाम को इसकी समाप्ति हो जाएगी, तो जिसकी शुरुआत होती है उसका अंत हो जाता है, उसकी समाप्ति हो जाती है। लेकिन आदि का एक दूसरा अर्थ होता है मूल तत्व, जिसकी कभी शुरुआत ही ना हुई हो और जिसकी कभी शुरुआत नहीं होती उसका कभी अंत नहीं होता, समापन नहीं होता, वह आदि तत्व, मूल तत्व क्या है, उस मूल तत्व को समझने की आवश्यकता होती है। और ध्यान यह रखना होगा, मूल का मूल नहीं होता, मूले मूलाभावाद मूलम मूलम। सांख्य दर्शन में महर्षि कपिल कहते हैं मूल में मूल का अभाव होने से मूल अमूल होता है। इसको हम सरल उदाहरण के माध्यम से समझ सकते हैं, जैसे पेड़ की जड़ होती है, बिना जड़ के कोई पेड़ हो गया नहीं, पेड़ की जड़ होती है किंतु जड़ दिखाई नहीं पड़ती। पेड़ दिखाई पड़ता है
क्योंकि वो ऊपर हो रहता है, जड़ जमीन के अंदर रहती है इसलिए दिखाई नहीं पड़ती। किंतु दिखाई पड़ने वाला पेड़ न दिखाई पड़ने वाली जड़ के आधार पर टिका होता है। तो पेड़ की जड़ तो होती है, जड़ की जड़ नहीं होती, जड़ बिना जड़ के होती है क्योंकि वो मूल है जड़। सामने मकान है, मकान दिखाई पड़ रहा है, किंतु जिस नींव के आधार पर यह मकान टिका हुआ है वह नींव दिखाई नहीं पड़ती। बिना मकान की नींव हो सकती है, क्योंकि कई बार लोग नींव डाल देते हैं छोड़ देते हैं, बरसों पर नींव पड़ी रहती है। तो बिना मकान की तो नींव हो सकती है, लेकिन बिना नींव का मकान टिकेगा नहीं। तो मकान की तो नींव होती है किंतु नींव की नींव नहीं होती, क्योंकि नींव मूल है। इसलिए कहा गया मूले मूलाभावाद मूलम मूलम, मूल में मूल का अभाव होने से मूल अमूल होता है। इस सब का मूल क्या है? पेड़ का मूल जड़ है, मकान का मूल नींव है, तो सबका मूल क्या है? मूल तत्व, वो मूल तत्व है हर आदमी के भीतर बैठा हुआ ये जीव चेतन, जिसे हम आत्मा और रूह सोल आदि भी कहते हैं। कुछ लोग कहते हैं महाराज आपने तो पेड़ का मूल बता दिया, मकान का मूल बता दिया, तो जीव का भी तो कोई मूल होगा। जीव का मूल क्या है? जीव का मूल जीव स्वयं है, जीव का मूल कोई और नहीं है, इस स्वयं है जीव। और यही सबका मूल है, और उसी मूल जो जीव है उसका हमें ज्ञान नहीं है, इसलिए भटक रहे हैं। जरा सोचो, ये जीव या मनुष्य ना होता तो इतना बड़ा सत्संग सेट बनता, ये सब मकान बनते? ये पंखे लगे हैं, ये पंखे लग जाते, पंखे बन जाते, बिजली बन जाती क्या? जितनी मशीनरी हैं, गाड़ी घोड़े हैं, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं, और पता नहीं बड़ी बड़ी गाड़ियां, ट्रेन, हवाई जहाज आदि हैं, बनाने वाला कौन? ये मनुष्य जीव है। ये सब का मूल है। बात थोड़ा सुनने में अटपटी लगती है और कड़वी लगती है, किंतु ये जितने भी मंदिर, मस्जिद, गिरजा, गुरुद्वारा, मठ, आश्रम है, इनका मूल कौन है? मनुष्य। मंदिरों में मूर्ति की स्थापना करने वाला कौन है? मनुष्य जीव। मनुष्य न होता धरती पर तो एक भी मंदिर, मस्जिद, गिरजा, गुरुद्वारा, मठ ना होता, किसी मंदिर में मूर्ति ना होती। चंद्रमा में मनुष्य नहीं है इसलिए वहां कोई मंदिर, मस्जिद, गिरजा, गुरुद्वारा नहीं है, कोई मूर्ति नहीं है, कोई देवी देवता भी नहीं है, कोई भगवान भगवती भी नहीं है। दुनिया में मनुष्य है इसलिए यहाँ मंदिर है, मस्जिद है, गिरजा है, गुरुद्वारा है, मठ है, आश्रम है, देवी है, देवता है,
भगवान है, भगवती है, ईश्वर ब्रह्म परमात्मा है, जिस मनुष्य नहीं रहेगा ना सब खत्म हो जाएगा। मूल आप हैं, आपसे मतलब ये शरीर नहीं, इस शरीर के भीतर बैठा हुआ जो आत्म तत्व जीव तत्व वह है। और जीव, जीव को जीव क्यों कहा जाता है, क्योंकि सदैव जीवित रहता है। जीवतीति जीव, जो सदैव जीवित रहे, जिसका मरण ना हो, जिसकी मौत ना होती हो, वो जीव है। न जायते मृते वा कदाचिन नायम भूत्वा भविता वान भूया अजो नित्य शाश्वतो पुराणम न हन्यते हन्यमाने शरीरे। गीता में श्री कृष्ण महाराज कहते हैं कि यह न जायते मृते, ये जो जीव है चेतन आत्मा, न इसका जन्म होता है, न इसकी मौत होती है, न किसी से कुछ होकर के हुआ है, न किसी से ये पैदा हुआ है, न इससे कुछ पैदा होता है। शरीर के मरने पर भी यह मरता नहीं है, क्योंकि यह अज है, अजन्मा है, नित्य है, शाश्वत है। उसी जो शाश्वत, जो नित्य तत्व है, सद्गुरु कबीर हमें उसी का ज्ञान करवाते हैं। कबीर साहब का सारा ज्ञान दो तीन बातों में है। पहली बात तो यह सब जानते हैं कि धर्म और ईश्वर भगवान परमात्मा के नाम पर छुआछूत जातिपात को लेकर ये जितने भी पाखंड चल रहे थे, आदमी को छोटा बड़ा माना जा रहा था, साहब ने सबका खूल करके खंडन कर दिया। जात पात का भी खंडन किया, वर्ण आदि का खंडन किया, और कहा मनुष्य मनुष्य है, मनुष्य मात्र की केवल एक जाति है मनुष्यता, और जितनी जातियां हैं सब काल्पनिक है। यहां जितने लोग बैठे हुए हैं, कोई अपरिचित आ जाएगा क्या बता पाएगा कि इसमें से कौन आदमी किस जाति का है? लेकिन ये बता देगा, हाँ यहाँ हजारों लोग बैठे हुए हैं, हजारों मनुष्य बैठे हुए हैं, मनुष्यता सच, बाकी सब झूठ। तो साहब ने कहा कोई जाति छोटी नहीं होती, कोई जाति बड़ी नहीं होती, और किसी जाति में जन्म लेने से आदमी छोटा बड़ा नहीं होता। और साथ साथ जितने प्रकार का अंधविश्वास है, धर्म के नाम पर पाखंड है, उन सब का सद्गुरु कबीर ने खुल करके खंडन किया। और फिर साहब ने दुनिया की हकीकत, दुनिया की क्षणभंगुरता, नश्वरता, भोगों की दुखरूपता, अपात्रमनीयता, इनका वर्णन किया, इनको बताया, मौत की याद दिलाई, और कहा कि तुम सबसे भिन्न अविनाशी चेतन हो। धर्म और जाति को लेकर छोटा बड़ा माना जा रहा था, पाखंड था इसका खंडन, भोगों की आपात रमणीयता, दुख रूपता का निरूपण, दुनिया सारी संसार की नश्वरता और क्षणभंगुरता का निरूपण, और सबको जानने वाला जीव का ज्ञान, आत्मज्ञान। इतने बातों में कबीर साहब का सारा ज्ञान आ जाता है। मूल है आत्मज्ञान, इसलिए बीजक के पाठफल में कहा गया आत्म धन जही ठौर है बचन कबीर उपदेश। सद्गुरु कबीर के वचनों का सारा उपदेश आत्मधन को जानने के लिए। यहां पर आप कहते हैं शब्द हमारा आदि का, मेरे जो शब्द हैं
मूल तत्व जो आत्म तत्व है, जीव तत्व, जो जीव जो चेतन आत्मा प्रत्येक घट में बैठा हुआ है, स्त्री पुरुष पशु पक्षी कृमि कीट सबके घट में बैठा है, उसका ज्ञान साहब कहते हैं। और सभी जीव अलग अलग हैं, सब घट एक एक के लेखे भय दूजा के मारे सब हैं, घट घट में वो साई पता साहब कहते हैं, वो साई वो जीव वो परमात्मा घट घट में है, अपने को जानने की बात कहते हैं। हम सबको जानते हैं, अपने को नहीं जान पाते, और अपने को नहीं जान पाते इसलिए हम सब पता नहीं कहाँ कहाँ भटकते रहते हैं, सिर झुकाते रहते हैं, गिर गिलाते रहते हैं। सदगुरु कहते हैं मेरे विचारों को समझो और स्वयं को जानो। स्वयं को जानने के लिए मैं अपनी बातें कह रहा हूँ, लेकिन आदमी का मन बार बार फिसल जाता है, आत्मज्ञान में रुकता नहीं, ठहरता नहीं है। आत्मज्ञान आदमी को हो नहीं पाता सुनते समझते हुए, क्यों? शब्दे बैठा जीव, ये जीव का मन भ्रम कल्पना के शब्दों में घोता हुआ है। अनेक प्रकार के भ्रम, अनेक प्रकार की कल्पनाएं, अनेक प्रकार का अंधविश्वास, चमत्कार की बातें, और ये भ्रम कल्पना अंधविश्वास चमत्कार की बातें बिना परिश्रम के भोग और मोक्ष पाने की बातें लोगों को बहुत आसान और सरल जान पड़ती है, इसलिए आदमी उनको बड़ी सरलता से स्वीकार कर लेता है। लेकिन भ्रम कल्पना की बातें चाहे जितनी भी क्यों ना हो, उससे मन को संतोष नहीं होगा, भटका दूर नहीं होने वाला है। संतोष आदमी को शारीरिक करना चाहिए, हार्दिक संतोष, बौद्धिक संतोष, चारित्रिक संतोष मनुष्य को तभी होगा जब प्रकृति के कारण कार्य व्यवस्था का ज्ञान होगा, अपने आत्मतत्व का ज्ञान होगा, और साथ साथ जीवन के आचरण कर्म चरित्र मन ये सब निर्मल निर्विकार होंगे। प्रकृति के कारण कार्य व्यवस्था, विश्व के जो शाश्वत नियम हैं, तत्वों के गुण धर्म हैं, जब इनका सही बोध हो जाएगा, सही ज्ञान हो जाएगा, तब हमें बौद्धिक संतोष होगा। दुनिया कैसे बनी, कौन चला रहा था? परमात्मा चला रहा था। मान तो लेते हैं लेकिन बुद्धि गवाही नहीं देती, स्वीकार नहीं करती बात को, क्योंकि ये तथ्य नहीं है। तथ्य यह है कि प्रकृति का संचालक बाहर कोई नहीं है, प्रकृति अपना संचालिका स्वयं है। इसके जो नियम है, गुणधर्म है, व्यवस्था है, इससे दुनिया सारी गतिविधि अपने आप स्वतः रूप से चल रही है। इसका ज्ञान हो जाने पर बौद्धिक संतोष होगा, और जब हमारे कर्म व्यवहार आचरण चरित्र शुद्ध निर्मल हो जाएंगे, जो ज्ञान की बातें हम कहते हैं, सुनते हैं, जानते हैं, इनके अनुसार से हमारा जीवन का व्यवहार और कर्म हो जाएगा, तब हमें चारित्रिक संतोष होगा। और सारे जड़ ध्यास देहाभिमान का त्याग होकर जब सारी भोग लालसाएं खत्म हो जाएंगी और अपने आप का शुद्ध ज्ञान हो जाएगा कि मैं कारण कार्य व्यवस्था रहित, अनवंशी भाव रहित, व्याप्य व्यापक भाव रहित, जड़ तत्वों से सर्वथा विलक्षण चेतन जीव हूं, इस प्रकार से जब निर्भ्रांत ज्ञान हो जाएगा तब मानसिक संतोष होगा।
और बौद्धिक चारित्रिक मानसिक या उसको आप आत्मिक कह सकते हो, बौद्धिक चारित्रिक आत्मिक संतोष हो गया तो जीवन में किसी प्रकार का कोई दुख कोई पीड़ा नहीं रह गए, जीते जी आदमी कृतार्थ कल्याण रूप हो जाएगा। लेकिन भ्रम कल्पना में पढ़ करके ये सारी बातें समझ में नहीं आती हैं। आदमी चाहता क्या है, हमारे बिना संयम किए बिना कुछ त्याग तप किए बिना मेहनत और साधना किए हमें दुनिया का सारा भोग ऐश्वर्य मिल जाए और मरने के बाद हमें स्वर्ग या मोक्ष मिल जाए, इसी के लिए दुनिया के प्रायः सभी मत मतांतरों में सस्ते सस्ते नुस्खे बनाए गए और तमाम महिमापूर्ण काल्पनिक बातें कही गई और वो बातें सस्ती जान पड़ती, सुंदर जान पड़ती, रोचक, इसलिए आदमी का मन उसमें डूब जाता है। जिसे हम पाना चाहते हैं, जिस खुदा को ब्रह्म को गाड को राम या रहीम को ब्रह्म या परमात्मा को, उसे आप जीव चेतन को पाना चाहते हैं, वो बाहर नहीं है, हमारे हृदय में ही निवास कर रहा है। हम स्वयं ही हैं, हमसे अलग नहीं हैं। जब हम स्वयं हैं हमें हमसे अलग नहीं हैं तो अनुभव क्यों नहीं होता, क्योंकि एक तो अनेक प्रकार की आदत और आसक्तियों के कारण हमारा मन चंचल बना हुआ है और दूसरा कारण ये भ्रम कल्पना अंधविश्वास की बातें सुन सुन करके हमारा मन भ्रांति में डूबा हुआ है, इसलिए हमें अपने आप का अनुभव नहीं हो पाता। सदगुरु कहते हैं तुम भ्रम कल्पना अंधविश्वासपूर्ण शब्दों का त्याग करो, सबको पढ़ो, अपने मत की बात, अपने संप्रदाय की बात, अपने गुरु की वाणी, इनको तो पढ़ना ही पढ़ना है। भिन्न जो मतपन संप्रदाय हैं, भिन्न गुरुओं की जो वाणियां हैं, जितना पढ़ सकते हैं उतना उनको भी पढ़ें, घृणा करने की आवश्यकता नहीं है, किंतु आँख मूंद कर कहीं किसी की कोई भी बात ना माने, सोचें समझें चिंतन करें विचार करें और जब उपयुक्त जान पड़े उचित युक्ति युक्त कारण कार्य व्यवस्था के अनुकूल तब उन बातों को ग्रहण करें, क्योंकि बातें विवेकपूर्ण तर्कपूर्ण हो। बस पक्षपात नहीं करना। सदगुरु कबीर तो कहते हैं सब काहू का लीजिए साचा शब्द निहार, पक्षपात ना कीजिए कहें कबीर विचार। कबीर साहब सदगुरु कबीर विचार करके कहते हैं, निहार करके अच्छी तरह से छानबीन विचार करके सबसे सार ग्रहण कर लो, सार सार को गहरे थोथा दे उड़ाए, क्योंकि मानव जीवन फूल रहन की टोकरी है, सार ग्रहण करने का पात्र है, इसमें से हमें सार ग्रहण करना है। जैसे एक पात्र होता है हमारे हाथों में, हमारे पास एक पात्र है और हम किसी फूल फुलवारी में या बाग बगीचे में जाएं तो स्वतंत्र हैं कि हमें उस अपने पात्र में टोकरी में चुन चुन करके क्या रखना है। साहब कहते हैं तुम्हें जो पात्र मिला हुआ है वह कंकड़ पत्थर कांटे आदि बिखेरने के लिए बटोरने संग्रह करने के लिए नहीं मिला है पात्र, ये फूल बटोरने के लिए फूल संग्रह करने के लिए मिला है। बाहर तो आदमी ऐसा नहीं करता, सफाई की दृष्टि से आदमी कांटे कंकड़ सूखी टहनियाँ पत्तियाँ आदि
बटोर करके भले किनारे फेंक दे, तो फेंकने की दृष्टि से उन्हें बटोरना होता है, रखने की दृष्टि से बटोरना नहीं होता उनको। रखने की दृष्टि से तो फूलों को बटोरना होता है। साहब कहते हैं ये मानव जीवन फूल रखने की टोकरी है, फूलों का संग्रह करो। फूल क्या है? सद्गुण सदाचार, अच्छे कर्म, उत्तम आचरण, उज्जवल चरित्र, यही फूल है। हमारे जो शुभ कर्म है ये हमारे लिए फूल है। और सब जानते हैं कि हम जो आज करेंगे उसी का फल हमें कल मिलेगा। संत गुरुजन एक उदाहरण दिया करते हैं, प्रायः बहुतों को याद होगा, मैं दोहरा देता हूँ कि जो हम ग्रहण करेंगे वही हमें लौटकर कैसे मिलेगा। कहते हैं कि एक राजा ने अपने तीन सिपाहियों को बुलाया और तीनों के एक एक थैला दिया, बड़ा बड़ा, और कहा अपना अपना थैला लो और मेरे बाग में चले जाओ। राजा का अपना बाग होता था, आम जनता नहीं जाती थी वहाँ पर। कहा कि मेरे बाग में जाओ और तुम्हारा जो मन हो, तुम्हें जो पसंद हो चुन चुन करके थैला में भरो और अपना अपना थैला पूरा भर करके शाम तक मेरे पास आओ लौट कर। तीनों सिपाही अपना अपना थैला लिए और एक बार बाग का चक्कर लगाए। तब लगाने के पश्चात एक ने सोचा, राजा साहब ने थैला भरकर लाने के लिए कहा है, ये तो नहीं कहा है कि तुम्हें क्या भरना है, बस थैला को भरने के लिए कहा है ना। और राजा साहब थैला देखेंगे थोड़े, भरना ही है, और फिर यहाँ से दूर है रात दरबार, तो ऐसी हल्की चीज भरूं जैसे उठाने में सहूलियत हो, बोझ ना बने। तो उन्होंने क्या किया, कुछ सूखी पत्तियाँ, कुछ सूखी टहनियाँ भर लिया और कुछ गिरे हुए जो फल थे कच्चे आदि वो भर लिया। ऊपर में थोड़ा बहुत पके ताजे फल भरे। दूसरे आदमी ने सोचा कहाँ मेहनत करना है, कुछ गिरे फल, कुछ पक्षियों के खाए फल और कुछ कच्चे आधे पके फल जहाँ जो मिला अपने थैला में भर लिया। और तीसरा आदमी समझदार था, उन्हें सोचा कि राजा साहब ने थैला भरने को कहा है तो कोई ना कोई कारण होगा जरूर, बिना कारण के तो नहीं कहेंगे। तो बाग में घुमा, फिर उसके पश्चात जो ताजे सुंदर जो फल थे पके फल वो सब भरा थैले में, तीनों का थैला भर गया। तीनों अपना अपना थैला लेकर आए। राजा ने पूछा कि क्या तुम तीनों ने अपना अपना थैला भर लिया? कहा हाँ हुजूर, सामने हैं, आप देख लें। राजा ने कहा देखने की आवश्यकता नहीं है, अपना अपना थैला अपने पास भरो, अपने पास रखो। और फिर राजा ने मंत्री से कहा, मंत्री महोदय इन तीनों सिपाहियों को जेल की अलग अलग कोठरी में बंद कर दो और बाहर से ताला लगा दो, एक महीना बंद रहेंगे, जिसके थैला में जो है वो वही खाएगा और बाहर से खाने को नहीं दिया जाएगा। अब क्या होगा, जो अपने थैला में सूखी पत्ती सूखी लकड़ियां भर रहा था वो तो दो चार दिन में स्वर्ग का टिकट कट गया उसके लिए। दूसरा आदमी जो कच्चे पके फल भरे थे कुछ दिन में सप्ताह भर के बंदर बीमार पड़ गया। तीसरा आदमी स्वस्थ ताजे मीठे फल खा करके। ये उदाहरण है, ऐसा हुआ हो या ना हुआ हो कहानी बना ली जाती है। सिद्धांत क्या है,
ये पूरा संसार एक बगीचा है, बाग है। हम सब मानो सिपाही हैं और प्रकृति ने हमें यह थैला दिया है 3.5 हाथ का। हर आदमी का क्या भरना है? भरना तो सबको है। क्या ग्रहण कर, फूल रख रहे हैं, अच्छा व्यवहार कर रहे हैं, अच्छे कर्म कर रहे हैं, अच्छा आचरण चरित्र बना रहे हैं, ज्ञान ग्रंथों को पढ़ करके ज्ञान ग्रहण कर रहे हैं, सद्गुण सदाचार ग्रहण कर रहे हैं, या गलत कर्म कर रहे हैं, गलत व्यवहार कर रहे हैं, गलत चरित्र आचरण बना रहे हैं, कुसंग कर करके अपने स्वभाव को बिगाड़ रहे हैं, क्या भर रहे हैं थैला में? जो भरेंगे उसी का फल मिलेगा, खाने को वही लौट कर खाना होगा। स्वतंत्र है, थैला में क्या भरना है? किसी आदमी के पास कोई व्यवस्था नहीं है, कोई प्रतंत्रता नहीं है। जीवन को कैसे जीना है, क्या करना है? ये मानव जीवन कर्म भूमिका है। कर्म भूमिका के साथ साथ ये मानव जीवन भोग भूमिका भी है और मोक्ष भूमिका भी है। हम इस मानव जीवन में ऐसे कर्म कर सकते हैं जिनके परिणाम में हमें 84 लाख योनियों में भटकना पड़ सकता है, और ऐसे भी कर्म कर सकते हैं जिससे हमारा भटकना दूर होकर के हमें मोक्ष गति कल्याण की प्राप्ति हो सकती है। दुर्भाग्य यह है हम फूल नहीं बटोर पाते, कंकड़ पत्थर बटोर लेते हैं। शायद साधन करते हैं, देखो तुम्हारे कर्म ने, प्रकृति के नियमों ने तुम्हें ये मानव जीवन रूपी सुंदर थैला दिया हुआ है। इस थैला में कंकड़ पत्थर दोष दुर्गुण दुराचरण गलत स्वभाव गलत आदत ये मत भरो, अन्यथा दुखों के अलावा कुछ मिलेगा नहीं तुम्हें। ज्ञान भक्ति सेवा संयम सदाचार परोपकार अशुभ कर्म शुभाचरण भर लो, ताकि आज प्रसन्न रहो, आज सुगंध मिलती रहे, मरने के बाद भी सुगंधी और सुंदर फल मिलते रह जाए। किंतु ऐसा उत्तम मानव जीवन जो फूल रखने की टोकरी है, फूल रखने का पात्र है, किस प्रकार से व्यर्थ जा रहा है, बर्बाद हो रहा है? जैसे घोड़े खाया घी, छाछ मट्ठा में पड़े पड़े घी खराब हो जाता है। छाछ की कीमत क्या है और घी की कीमत क्या है? बहुत अंतर है दोनों में, लेकिन थोड़ी कीमत का छाछ जो सारहीन छाछ है, मट्ठा है, मूल्यवान घी को नष्ट कर देता, बर्बाद कर देता, सड़ा देता है। साहब कहते हैं तुम्हें ये जीवन मिला है घी के समान है, ये सार है, उसी छाछ से निकला हुआ है, ये सार है, कहाँ बर्बाद होता है? लड़ाई झगड़ा कलह कल्पना मार पीट गाली गलौज तू तू मैं अब पता नहीं जुआ शराब, अब पता नहीं कैसे कैसे ये व्यर्थ, जिसके जीवन में कोई आवश्यकता नहीं है। अब कह सकते हैं साहब हम गृहस्थ आदमी हैं, हम बहुत मोह माया का त्याग नहीं कर सकते, घर द्वार का त्याग नहीं कर सकते, हमारे पास इतना ज्ञान विवेक विचार नहीं है। ठीक है, कोई बात नहीं है, लेकिन घर गृहस्थी में रहकर गाली गलौज का त्याग कर सकते हैं, मारपीट का त्याग कर सकते हैं, लड़ाई झगड़े का त्याग कर सकते हैं, कला कल्पना का त्याग कर सकते हैं, जुआ का त्याग, शराब का त्याग, मान मदिरे का त्याग कर सकते हैं, बैर विरोध का त्याग कर सकते हैं। इसमें आपकी गृहस्थी तो नहीं बिगड़ेगी ना। यदि आप गाली गलौज मार पीट लड़ाई झगड़ा बैर विरोध जुआ शराब मांस मदिरा आदि का त्याग कर दें, आपकी गृहस्थी स्वर्ग बन जाएगी। लेकिन अनेक ऐसे लोग हैं, अनेक दो दुर्गुणों में पड़े रहकर अपना जीवन बर्बाद कर दे रहे हैं, राग रंग मोह माया में पड़ करके, कला कल्पना, लड़ाई झगड़ा व्यर्थ,
साहब कहते हैं जीवन घी के समान मूल्यवान है, आज मिला दोबारा मिलेगा नहीं मिलेगा कुछ कहा नहीं जा सकता, इसलिए सावधान। छांछ के समान जितना भी निस्सार है सबका त्याग कर, सबका त्याग कर दो, और घी के समान मूल्यवान जो जीवन है इसे सुरक्षित बचा करके रखो, क्योंकि ये दोबारा मिलने वाला नहीं है। और इसी जीवन में प्रेम से, सरलता से, विनम्रता से जीवन जियो, ऐसा जीवन जियो कल्याण का काम नहीं कर पाए कोई बात नहीं, वैसे मानव जीवन कल्याण के लिए मिला है। आत्मनो मोक्षात जगत धिताश्य, ये मानव जीवन का उद्देश्य बताया गया है, आत्मनो मोक्षार्थ, आत्मा का मोक्ष, आत्म कल्याण, और जो बन सके दुनिया की सेवा, जगत धिता समाज की सेवा, आत्म कल्याण का काम ना कर पाए तो इतना तो कर लें कि आज का जो हमारा वर्तमान जीवन है हम प्रसन्नता से, शांति से, संतोष से, आनंद से जिए, और साथ साथ ऐसे भी कर्म करें कि हमारे द्वारा दूसरे को सेवा मिले, प्रसन्नता मिले, शांति मिले, हमारे जीवन सार्थक हो जाएगा। तो सद्गुरु कबीर इस साखी में हमें चार बातें बताते हैं। पहली बात है मूल तत्व, आदि तत्व, सबके भीतर बैठा हुआ जो जीव चेतन है वो आदि तत्व, मूल तत्व है। अपने आप को जानो, स्वयं का ज्ञान प्राप्त करो कि मैं कौन हूँ, और जब मैं को जान लोगे तो ईश्वर ब्रह्म परमात्मा को जानना सरल हो जाएगा। जब तक मैं का सही ज्ञान नहीं होगा तब तक ईश्वर ब्रह्म परमात्मा या देवी देवता आदि का सही ज्ञान नहीं हो सकता। मूल मैं को जानो, भ्रम कल्पना के शब्दों का त्याग कर दो, अंधविश्वास में, चमत्कार में और मिथ्या महिमा में उलझो मत। ये जीवन सार संग्रह करने, ज्ञान संग्रह करने, सद्गुण संग्रह करने का पात्र है, घी के समान मूल्यवान है, इसलिए सारे दोष दुर्गुणों का त्याग करो, घी को बचा कर रखो, कल्याण का काम कर लो, जीवन सार्थक हो जाएगा। यही सद्गुरु कबीर का और साथ साथ दुनिया के सभी संत गुरुजनों का हमारे लिए उपदेश है। उनकी बातों को समझें, समझ करके जो बन सके दूसरों सेवा करते हुए आत्मकल्याण का काम करें, ताकि हमारा और आपका ये सत्संग करना सार्थक हो जाए। आप सबको बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। अपनी वाणी को यहीं पर विराम। बोलिए सतगुरु देव की जय।